कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 का 13वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज। पहला गुणज होगा 8, दूसरा गुणज होगा 16, तीसरा गुणज होगा 24, चौथा गुणज होगा 23। इस प्रकार से 8 के पहले 15 गुणज। इसका मतलब हमें सबसे पहली चीज पता लगी कि n कितना है, 15, क्योंकि 8 के 15 गुणज लेने। उसके बाद a कितना है, 8, इस ab का पहला पद 8, और इसके बाद d कितना है, d को लिए दूसरे पद में से पहला पद 8, 16 में से 8 माइनस करा तो हमारे पास आ गया है 8। अब हमें इसके पहले 15 पदों का योग निकालना है, यानी एस एन बराबर है एन बटा 2 गुना 2a प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। अब पहले क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया होता था, अब आपको स्टेटमेंट समझी हुई है, उसको पढ़कर आपने समझना है कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें एस 15 निकालना है, तो ये हो गया 15 बटा 2 गुना 2 गुना 8 प्लस एन, एन कितना है, 8। ठीक है, तो इसे हमें हल करना है। ये है 15 बटा 2 गुना 8 गुनी 16 प्लस 15 में से 1 निकाला 14 को 8 से गुना करिए 112। अब अगले स्टेप में आ गया 15 बटा 2 गुना 112 में 16 प्लस कर दिया तो ये आ गया 128, 2 से 128 कट जाएगा तो ये आ गया 64, 6 × 12 4 × 8। अब हमें 15 को 64 से गुना करना है, आप अलग से भी कर सकते हैं, मैं सीधे कर सकता हूँ। 15 चौके 60, 60 लाया 6, 15 छके 90, 90 और 6 86। इसका मतलब एस 15 आ गया है 960 के बराबर, तो हमारा उत्तर होगा प्रथम, या लिख सकते हो 8 के प्रथम 15। ये सारी चीज आप बुक से देखकर या क्वेश्चन से देखकर लिख सकते हो, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर है 960। तो यही इस प्रश्न का हल है।